दुर्ग निगम महापौर ने निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने प्रभारी आयुक्त के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम के प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन के साथ निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके तहत निगम महापौर धीरज बाकलीवाल शहर के मध्य से गुजरने वाले शंकर नाला व ठगड़ा बांध पहुंचे। उन्होंने अब तक के हुए विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसकी जानकारी देते हुए निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित ठेकेदार को बरसात के पूर्व ज्यादा से ज्यादा कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इस वर्ष शंकर नाले में जल भराव की स्थिति से आम नागरिकों को नहीं गुजरना पड़ेगा। इसे लेकर न्यूज टीम को महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सुबह जो हमारे अभी प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन जी आए हैं, उनके साथ हमारे प्रभारी गणेश जी, कोहले जी के साथ आज हम लोगों ने शंकर नाला और ठगड़ा बांध का दौरा किया। वहाँ के कार्य की प्रगति को हम लोगों ने देखा। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात सामने है, शंकर नाला का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। लगभग 6.5 किलोमीटर की स्वीकृति में 3.5 किलोमीटर से ऊपर का काम हो चुका है और पिछले बार भी भारी बरसात के बाद भी जल भराव की स्थिति जो शंकर नाला क्षेत्र में नहीं आती थी, पहली बार शंकर नगर क्षेत्रों में पानी जल भराव की स्थिति और उम्मीद है इस वर्ष भी नहीं आएगी। बहुत तेज गति से काम चल रहा है और ठगड़ा बांध के कार्य प्रगति हम लोग देखने गए थे कि बरसात से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो आने वाले समय में कार्य को सुविधा होगी। हम लोगों ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।